ये थर्मोकपल वायर जल गया है। बाद में अलग अलग वाला ले आएगा, अभी तो फिलहाल यही काम चलाना पड़ेगा। ट्रायल ले रहा हूँ ना। अच्छा चलो आपका ओ इस तरीके से काटे और ये आपको ऐसे ऐसे करना है। सिंबल जो है दिस सेंसर दी, थोड़ा बड़ा बना के देखा। यही बड़ी रोटी आई है काफी तो मैं फिर भी अभी सीखने के लिए ना, अभी कल भी सीखेगा वैसे, आज भी थोड़ा ज्यादा मोटी कर रहे ना, फिर हम वो सीखने में अच्छी आई है। दिन गज दे रहे दादा रोटी अच्छी आएगी ना, फिर प्रार्थना क्या ये क्या कैसे हां, क्योंकि उसका मुंह भी उतना ही साफ है, वो 6 इंच की रोटी निकालते हैं भैया, आपने घर भी देखा होगा। इससे तो छोटा वाला हो गया। अच्छा नास्तिक लेने से बड़ा होता है, पीछे लेने से बड़ा होगा। ठीक है, ये सही है ना, सही है। बहुत बड़ी रोटी आएगी, अभी बंद कर देते हैं। वाला वो है ही नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं रोटी इसकी, ठीक है, और नहीं तो फिर वो चक्की वाला ही लाना पड़ेगा। हाँ ट्राई करेंगे चक्की। ऐसा बना के कितने मिनट रखना पड़ता है? 5 मिनट, जैसे आपके मान के चलो एक प्लेट रख दिया 30-35 का, फिर वो स्टार्ट कर देंगे, उधर काटना शुरू कर देंगे, वो एक प्लेट 5 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा उसे। लेकिन रोटी सही नहीं आएगी, फूलने की नहीं है, पापड़ जैसी रोटी आएगी। हाँ इसलिए पहले बता रहा हूँ, आधा पौना घंटा पहले भून दो, 10 किलो आटे में लगभग बताया आपको 250-300-400 ग्राम तेल डाल दो अंदर, आटा सही होना चाहिए बिल्कुल, आटे के ऊपर डिपेंड करता है वैसे, जैसा आटा वैसी होती है। रोटी सही नहीं है।
देख रहे हो दाने जो निशान बन रहा है ना सुन, ये फूलने की नहीं है रोटी। चलो तो फिर उसे तो निकाल ही देता हूँ, नहीं तो फिर चक्की मंगाना पड़ेगा सुबह, चक्की फ्रेश चलेगा क्योंकि रबड़ की तरह होता है ये अभी चक्की है यहाँ पे थोड़ा ये वो बनेगा। हाँ दिखो दिखो कहाँ है नहीं दूसरा ने बनाया ना ये तो डाला है वही तो इसीलिए तो खमीर उठ गया उसका बेकिंग पाउडर से। बेकिंग पाउडर क्यों डाल दिया, वो तो तंदूर की रोटी के लिए डालता है। अच्छा वैसे बात है, शुरू से सीखना पड़ेगा ना आपको, गुनने से सब सीखना पड़ेगा। हमने 200 में सेट किया, 200 से ऊपर नहीं जाएगा ना, नहीं वो अपने आप कट हो जाता है। अच्छा पहले ऊपर वाला जलाएंगे हम ऐसे, ठीक है जी, ऐसे लगाना है, ऐसे खोलना है। अच्छा ठीक है इसी को। अच्छा एक मीडियम वाला ये सिलो रखना है, बीच वाला बाद में बंद भी करना पड़ेगा के बीच में बंद करना पड़ेगा। हाँ ये मैं बता दूंगा कब। जी जी ये नीचे वाला। जी जी ये थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। ज़्यादा हाँ सबसे ज़्यादा नीचे का वाला, फिर बीच का वाला सबसे कम कम ना। ये चला देंगे हम। स्लो ही रखना है ठीक है, नीचे वाला थोड़ा स्लो करो करना था तो ये स्लो कर, राइट साइड में होगा। अच्छा नहीं नहीं ये बढ़ रहा है राइट साइड में। हाँ बस छोड़ दो, बाद में बढ़ाना है जब हम पहले कन्वर्ट गर्म हो जाएंगे उसको रोटी डाल के देख लेंगे, इसके बाद बढ़ाना। कपड़ा तो साफ सफाई का भी ध्यान रखना है ना, कल ग्रीसिंग के बारे में बताऊंगा, अभी तो थोड़ा ट्रायल है इसलिए नहीं, कल पूरा भर के वो गन ग्रीस गन किस तरीके से डालते हैं कैसे लगाना कैसे। इसमें आटा पानी लग जाने से कुछ खराब नहीं होगा, इसमें एसेंसर में पानी जैसा आटा जैसा लग जाने से आटा लगेगा उसे छुटा देना है सर, बंद करके उधर से साथ आटा लगेगा तो वो घूमता रहेगा। अच्छा अच्छा सेंसर का भी कुछ लगा तो अपने आप पकड़ के उसे घूमता रहेगा,
तो साफ सुथ कर देना है ना। सेंसर का तो स्पेयर पार्ट नहीं दिया ना, अब ये खत्म, अगर खराब होने से वहाँ से खराब मुश्किल होता है बहुत, अगर खराब होता तो सब सामान मिलता है। वो सीधी भी चाहिए, वो रेडी चाहिए ना, वो ये खराब होती है।
लूज रहा